लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बार बीजेपी के लिए यूपी में अच्छे नहीं रहे, फिर भी सीएम योगी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर कायम हैं। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगवाने के फैसले पर विवाद अब भी जारी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अब योगी सरकार ने लव जिहाद पर अपनी नज़र टेढ़ी कर दी है। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर सरकार ने और कड़ी सजा करने का फैसला किया है और इन अपराधों में पहली बार आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव है। योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया और इसमें पहले से परिभाषित अपराधों में सजा दोगुनी कर दी गई है। कुछ अन्य अपराधों में आजीवन जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने लव जिहाद को चुनावी मुद्दा बनाया था। इसे रोकने के लिए साल 2020 में यूपी विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश पास किया था। 2021 में इसे विधानमंडल से पास कराकर कानूनी अमलीजामा पहनाया गया और इस कानून के तहत तब अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 तक का जुर्माना था। प्रस्तावित विधेयक में अब अपराध का दायरा और सजा दोनों बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। आपको बता दें कि अवैध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के दायरे में अब लाया गया है और इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग शामिल है। अगर कोई धर्म बदलवाने की नीयत से किसी को जीवित या संपत्ति के भय में डालता जीवन या संपत्ति के भय में डालता है, डराता धमकाता है या उस पर हमला बल प्रयोग या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा। पीड़ित के इलाज के खर्च के पहले के बदले कोर्ट जुर्माना तय करेगी। वहीं सरकार का कहना है कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, दलित पिछड़े समुदाय से होने के आधार पर भी अपराध की सजा तय होगी। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए यह महसूस किया गया कि सजा और जुर्माना बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए ये विधेयक लाया जा रहा है। कानून में एक और बदलाव किया गया है, इसमें घटना की सूचना देने वालों का दायरा भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो आपको बता दें कि पहले पीड़ित व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन या फिर कोई रिश्तेदार अपराध की सूचना दे सकता था, अब कोई भी व्यक्ति लिखित तौर पर इसकी सूचना पुलिस को दे सकेगा, उस पर जांच की जा सकेगी। कानून के तहत सभी अपराध गैर जमानतीय बना दिए गए हैं और इसकी सुनवाई जो है वो सेशन कोर्ट से नीचे नहीं होगी। लोक अभियोजक को अवसर दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर कोई धोखे, कपट, बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने का दोषी साबित होता है तो शादी करने पर 1 से 5 साल तक की सजा, 15,000 तक का जुर्माना इसका प्रावधान किया गया है। वहीं नए कानून में 3 से 10 साल तक की सज़ा और 25,000 का जुर्माना अब लगेगा, यानी कि बढ़ा दिया गया है इसे। पहले कहाँ 1 से 5 साल तक की थी, अब 3 से 10 साल तक की सज़ा इसी अपराध के लिए होगी। इसके अलावा नाबालिग महिला SC ST के साथ अपराध करने पर पहले जहां 2 से 10 साल की सज़ा और 25,000 जुर्माना था तो अब इसे बढ़ा दिया गया है, 5 से 14 साल तक की सज़ा हो सकती है और 1,00,000 तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अवैध ढंग से सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर अभी 3 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और 50,000 का जुर्माना, जिसे बढ़ाकर जो प्रस्ताव है वो 7 से 14 साल तक का और 1,00,000 तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ये नया प्रस्ताव, नया कानून लाने के फिराक में मोदी सरकार है। किस तरीके से इस पर चर्चा होती है और विपक्ष इस पर क्या सवाल उठाता है, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।